वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमूव। दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं आया हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। जी दोस्तों, मैं परचेस मंगा है 188 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ा मेरे को, पर ये है क्या एक्चुअली? ये एक टेबल लैम्प है जो मेरे बेबी के लिए मैंने मंगाया था और इसको ऑन कैमरा ही मैं काटूँगा और काट के आप लोगों को दिखा दूंगा कि अंदर की प्रोडक्ट कैसे आया है। पैकेजिंग तो इंटैक्ट है, पर देखता हूँ अंदर में प्रोडक्ट कैसे आया है, तो इसको ऑन कैमरा ही काट लिया जाए। तो दोस्तों मैं इसको काट रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं इसको फाड़ रहा हूँ, फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स काट दिस पैकेट और देखता हूँ अंदर में प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे आया है। 188 रुपीज़ मेरे को पड़ा है ये टेबल लैम्प को मंगाने में, इसका प्राइस 188 रुपीज़ मेरे को पड़ा है और ये प्रीपेड डिलीवरी हुआ है, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया था। और देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है। तो आप यहाँ पर देखिए बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी बुरा है और अंदर में कुछ बॉक्स जैसा कुछ है, फ्रेजाइल तो लिखा हुआ है, पर देखता हूँ अंदर में क्वालिटी कैसा आया है। बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी बुरा है, तो देखता हूँ इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो जब तक दोस्तों इसको ओपन करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो ये आया प्रोडक्ट, आप देख सकते हो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है और अंदर में कुछ झनझन करता है। टूटा हुआ भेज दिया या नहीं भेजा क्या पता नहीं, ठीक है ना? तो करना पड़ेगा, ऑन कैमरा ही करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ भेजा है भाई, करना तो पड़ेगा वरना पता नहीं चलेगा कि क्या भेजा है। तो थोड़ा मुशक्कत करना पड़ रहा है इसको ओपन करने में। तो लेट्स ओपन दिस पैकेट। पैकेट का क्वालिटी काफ़ी बुरा हाल है और मीशो का ये प्रोडक्ट मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका क्वालिटी इतना घटिया आएगा। मतलब कि पैकेजिंग क्वालिटी, अब तक तो पैकेजिंग ही दिख रहा है पर अंदर के प्रोडक्ट तक अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो ये आ गया प्रोडक्ट शायद देखता हूँ क्या है। तो ये देख सकते हो खुला खुला किस्म का कुछ है और ये है प्रोडक्ट का जो है कि मतलब कि कैसा क्या है। वाइट कलर में मेरे को रिसीव हुआ है, अंदर में प्रोडक्ट दिख तो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। पहले इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये टूटा हुआ है या क्या है, पहले इसको निकाल लेता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है और अब देख सकते हो क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं। दो LED अच्छी से जल भी नहीं पा रहा है, दो LED में कुछ इशू है। तो अब देख सकते हो कुछ कुछ LED ठीक ठाक जल रहा है, कुछ कुछ LED सही से ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसमें कुछ टच डिस्प्ले वाला है, टच से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, टच से इसको बंद भी कर सकते हो। और इसके संग कुछ ये माइक्रो वाला चार्जर दिया गया है और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। तो ये देखिए, टच किया जला नहीं, अभी जला। ये थ्री टाइप्स इसका सेटिंग्स है, पर इसमें से यहाँ पर एक लाइट ज़्यादा अच्छा से जल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या कुछ है इशू है। तो 188 से मैंने इसको परचेस किया है। ये है इसका बॉक्स, बॉक्स भी दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट का बाइंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपका ज़रूरत हो तो परचेस कर सकते हो। तो बॉक्स काफ़ी बुरा आया है, ये देखिए क्या कुछ है, फ्लेक्सिबल है। तो यही है प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इस प्रोडक्ट का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपका ज़रूरत हो तो परचेस कर सकते हो। प्रोडक्ट एकदम एवरेज किस्म का है, उतना बढ़िया नहीं है। मैं मेरा घर का जो ट्यूब है वो बंद करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, कितना लाइट होता है आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसका लाइट काफ़ी कम है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट परचेस ना करें। इसका क्वालिटी सचमुच काफ़ी कम है, इसमें आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। अगर आपको परचेस करना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए, ये वाला ज़्यादा बेहतरीन होगा। ये देखिए लाइट का क्वालिटी, देखिए कितना ज़्यादा लाइट है, ठीक है ना? ये हेबल्स का एक प्रोडक्ट है, मैं लाइट जला के आप लोगों को दिखा देता हूँ।
जी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो साइमल्टेनसली दोनों प्रोडक्ट साइड में रखा गया, एक पेन स्टैंड है और एक हेबल्स का ये टेबल लैम्प है जो काफ़ी अच्छी से जलता है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो दो तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, और यही है प्रोडक्ट, अच्छी से जल भी नहीं पा रहा है। तो शायद रिटर्न कर दूँ क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके भाई, हैव ए नाइस डे।